कोझिकोड ट्रेन आगजनी मामले से जुड़ी हुई आ रही है। महाराष्ट्र से आरोपी शाहरुख सैफी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र एटीएस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। केरल के कोझिकोड में ट्रेन में आग लगाने का आरोपी है शाहरुख सैफी। ट्रेन आगजनी में 3 लोगों की जान गई थी। एटीएस ने आरोपी के घर की जांच की है। आरोपी शाहरुख से एटीएस की पूछताछ जारी है। ट्रेन में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई थी। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन अब इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। यूपी का रहने वाला है शाहरुख सैफी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और महाराष्ट्र एटीएस उससे पूछताछ कर रही है। क्या सिर्फ एक मामूली विवाद की वजह से उसने इस कांड को अंजाम दिया, या फिर उसके पीछे कोई और मंशा थी, अब ये उससे पूछताछ करके पता लगाने की कोशिश की जा रही है। केरल के कोझिकोड में एक ट्रेन में आगजनी की घटना सामने आई। पेट्रोल छिड़ककर शाहरुख सैफी नाम के शख्स ने आग लगा दी। बाद में सीसीटीवी से उसकी पहचान की गई और बाद में उसे अब अरेस्ट कर लिया गया है। महाराष्ट्र एटीएस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है, उससे पूछताछ कर रही है। ट्रेन में आग लगाने का आरोपी शाहरुख सैफी, इस कांड में 3 लोगों की मौत हो गई थी। आरोपी शाहरुख के घर की तलाशी ली है महाराष्ट्र एटीएस ने। अलग अलग जगह छापेमारी की जा रही है। आरोपी शाहरुख के घर एटीएस की टीम पहुंची है। तो कोझिकोड ट्रेन आगजनी मामले में बड़ी कार्रवाई। शाहरुख सैफी, जो कि मुख्य आरोपी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया है। ट्रेन में आग लगाने का आरोपी है। अब उससे पूछताछ की जा रही है। उसके घर की तलाशी भी ली जा रही है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। क्या महज विवाद की वजह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, या फिर उसकी मंशा कुछ बड़ा कांड करने की थी? ट्रेन में आग लगाने के बाद उतरकर वहां से वो बाइक से भाग निकला था और अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कोझिकोड ट्रेन आगजनी पर बड़ा एक्शन हुआ है। महाराष्ट्र एटीएस ने आरोपी को पकड़ा है। शाहरुख सैफी नाम का आरोपी पकड़ लिया गया है। केरल के कोझिकोड में जिस तरह से ट्रेन में पेट्रोल छिड़क करके आग लगाई गई थी, बड़ा हादसा हो सकता था। सेक्टर 31 निठारी विलेज काम पे गया था, दुकान पे काम करने। क्या काम करता है? लकड़ी का काम करता, कारपेंटर। तो आपके पास से जो बोलकर गया, वो ये बोलकर गया कि वो काम पे जा रहा है? जी। अच्छा, तो आपको उसके बारे में कब पता चला कि उसने ऐसे काम किया? कौन सा काम कर रहा है जैसे बता रहे हैं? हमें कोई पता नहीं है। 31 तारीख के बाद में मैंने फोन किया उसको, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। यहाँ से काम पे के लिए बोल के गया। Z News.